मेरे व्यापारी भाई रसोई के हैं, कुछ नौजवान बच्चे भी हैं इनमें। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपने बीच में आने का सौभाग्य किया। विनोद शर्मा जी ने आपसे सपोर्ट मांगी है और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाह रही हूँ, 5 साल मैं अपने आपको दूंगी, जहाँ आप मुझे खड़ा करोगे मैं वहाँ खड़ी होंगी, तन मन से आपकी सेवा करूंगी, आपके बीच में आपके मन के रहूंगी, आपके दुख में सुख में हर जगह सम्मिलित होंगी। और ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जिस तरह से इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारा विजन है उसको हम आगे लेके जाएंगे, आप वो भी सब आपके सहयोग से, जब आपका सहयोग मिलेगा, आपका साथ मिलेगा और आप लोगों की जैसी समस्याएं आगे रखी जाएंगी, उन सबको देखते हुए हम उनका निर्णय लेंगे। बहुत सी समस्या मेरे समक्ष आई है जो क्षेत्र की हैं, उनको भी हम साथ में रखेंगे और खास करके जो आपकी 5 पॉइंट्स आपने दिए हैं ये मैं नगर निगम के अंदर हैंडल करती थी। तो एज अ मेयर मैंने 4 साल अम्बाला में बिताए हैं, तो ये सब समस्याएं वहाँ मैंने बहुत नज़दीक से देखी हैं, तो उनका निदान तो बहुत जल्द हो जाएगा। और जो आगे की बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनके लिए हमने काम करना है और वो काम तभी कर पाऊंगी जब मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे में आस्था दिखाई है और मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दी है, जिस तरह से भी उनकी उपेक्षा है मैं उस पर खरी उतरूंगी। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सबके सहयोग से एक सीट ले जाके चीफ मिनिस्टर साहब की झोली में डालेंगे, मुझसे पहले सब वक्त अपने आपको पार्टी के बारे में या जो भी कुछ व्यवस्थाएं हैं उनका बताया है। सिर्फ मैं आपसे एक अपील करना चाहती हूँ कि कल मैंने नामांकन भरना है, उसमें मैं आप सबके साथ वहाँ पे पहुँचना चाहती हूँ, तो आप प्लीज वहाँ पर पहुँचे और मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहाँ लेके जाए। इसी के साथ 14 तारीख को कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, तो हमने उनको भी अपनी हाजिरी दर्ज करानी है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें वहाँ पे पहुँच कर उनका सम्मान बढ़ाना है और उनको एहसास दिलाना है कालका की धरती से माँ कालका के आशीर्वाद से कितना बड़ा जनसमूह वहाँ पहुँचा है। तो उसके लिए भी मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, उसमें भी आप सब शिरकत करें और मेरा साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत माता की जय। भारत माता की जय। लेकर आए हैं अगली बात दोस्तों, हरे चरणों के प्रताप से शर्मा जी बहन जी ने देख ही लिया पूरे तरह सहकार के बाद दो ही ऐसे बहुत बड़े यूनिट थे, एक था ACC सीमेंट फैक्ट्री, दूसरा था HMT। ACC तो चलो पहले बंद होगी, HMT बंद हुई, अन्याय हुआ हमारे लोगों के साथ। दोस्तों एक बात जांच लो, शायद वक्त ने बदलना था, हम 5-4-7 लोग थे